हेलो स्टूडेंट्स, तो यूनिट 5 में हम अब तक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, ओके, थर्ड लॉ, इंपल्स, ये सब थ्योरी हम सीख चुके। उस पे से हमने बहुत सारे एग्जांपल काउंट किए, लेकिन अभी जो है हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं, हमारा न्यू टॉपिक है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आई थिंक कंजर्वेशन के रिलेटेड आप यूनिट 1 में एनर्जी कंजर्वेशन आप सीख चुके होंगे। सो व्हाट इज कंजर्वेशन? ओके, तो आपको आई थिंक पता ही होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जनरली डिस्कशन करें तो आपको आइडिया होगा ही, कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? देयर आर इक्वल कंडीशन, बोथ आर ओके। तो कंजर्वेशन कोई भी दो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के बीच में हो सकता है। ओके, कंजर्वेशन मीन्स उसका रक्षण होना चाहिए। क्लियर? तो वैसे ही आप एनर्जी के बारे में तो सीख चुके ही हैं, क्योंकि राइट, एनर्जी का क्या है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में उसका सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। क्लियर? एनर्जी है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका जनरेशन वो जनरेट कर सकते हैं, बट उसको नाश नहीं कर सकते, और जनरेट भी नहीं कर सकते और उसको नाश भी नहीं कर सकते। सिर्फ उसका एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो विच इज कंजर्वेशन। सो यहाँ पे मोमेंटम के बारे में भी हम यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थियोरी 3 मार्क्स में आए भी है, तो ध्यान से यहाँ पे देखना। फर्स्ट हम लिखेंगे लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंट्रैक्टिंग पार्टिकल द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंट्रैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व, विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, समझने की ट्राई करते हैं। द टोटल मोमेंटम, मोमेंटम का सिंबल तो पता है, मोमेंटम के बारे में भी आपको पता है क्योंकि हम ये सीख चुके हैं। ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जो सिस्टम है उसको अलग करके, ऑफ इंट्रैक्टिंग पार्टिकल, सिस्टम है अलग सिस्टम करके उसमें जो पार्टिकल है, इंट्रैक्टिंग मीन्स एक दूसरे के साथ जो प्रोसेस करते हैं। ओके, तो इज कंजर्व, तो ऐसे पार्टिकल्स है जिसमें सिस्टम को अलग किया जाए, तो पार्टिकल इंटरेक्टिंग जो पार्टिकल है उसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो कैसा होता है? कंजर्व होता है। ओके, विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, तो एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गन है, ये हमारे पास एक गन है, अभी क्या है, तो ये गन में से यहाँ पे मान लो कि ये बुलेट है, यहाँ पे हमें दिख रही है, दिस इज बुलेट। ओके, एंड दिस इज गन, हम पहला सिंबल लिख रहे हैं इसमें। तो अभी क्या होगा, फ्रॉम दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट हैपन? द ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इन एक्सेलरेट्स बाय दी गिवन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए उसको एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी ये बुलेट जो है उसको मोशन करवाने के लिए हमें फोर्स देना पड़ेगा, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट हैपन? इक्वल एंड अपोजिट, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट
फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा बिकॉज देर आर एक्शन एंड रिएक्शन राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये गन जैसे बुलेट पे फोर्स लगाएगी, ये गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी लाइक एफ, एफ जितना फोर्स लगाएगी तो ये बुलेट भी क्या करेगी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये बुलेट भी गन पे फोर्स लगाएगी विच इज माइनस एफ। सो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हाट हैपन, एफ इज इक्वल माइनस एफ। और ये जो दोनों फोर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फोर्स लगता है तो वो एक ही टाइम के लिए लगता है ओके एक ही टाइम के लिए दोनों पर दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो ये हम टाइम टेक कर लेते तो कितना होता है एफ इंटू डेल्टा टी माइनस एफ इंटू डेल्टा टी, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हुआ दोनों के लिए इज इक्वल। सो आपको क्या मिला, ये माइनस हो गए तो एफ इज इक्वल माइनस एफ। और एफ इंटू डेल्टा टी इट गिव्स इम्पल्स एंड इम्पल्स इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम, तो ये आपको मोमेंटम मिला इज इक्वल माइनस पी। किसके लिए, तो F into delta T which is for gun and minus F, तो बुलेट भी उसको गन पे फोर्स उतना ही लगाएगी which is PB. Then what happen? Initial momentum जो भी हो the momentum of gun is equal minus momentum of bullet. Clear? दोनों की इफेक्ट सेम हुई That means what? PG plus PB is equal zero. What? It show that equation. PG plus PB is equal zero. The action and reaction are equal. That means what? The momentum of gun and PB are conserved. Clear? तो ये जो example है वो आप अपने words में लिख सकते हो इस टॉपिक में ओके वैसे क्वेश्चन ऐसा इतना लंबा होता नहीं है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओके तो वो हम अभी डिराइव कर रहे हैं, लेकिन आपको जो समझना है तो वो आप ये इजीली एग्जांपल से आप सीख चुके हो समझ सकते हैं ओके तो अभी हम थियोरी डिराइव करते हैं, वो भी एकदम इजी है, आप अच्छे से ध्यान दो तो आपको आ जाएगा, बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप एक बार ध्यान दोगे और एक बार ध्यान से रीड करोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा ये। तो अभी हम देख रहे हैं थियोरी, लो हमने लिख लिया है, ये जो लो है थियोरी में एक मार्क्स का है ओके, स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलेंगे आपको, तो ये पूरा एक मार्क्स का है जिसमें एक भी वर्ड मिसिंग नहीं होना चाहिए क्लियर। चलो अभी तो सपोज सपोज द टू बॉडीज, क्योंकि यहां पे टू बॉडीज हम क्यों ले रहे हैं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंट्रैक्टिंग पार्टिकल, दैट मीन्स वो दो पार्टिकल या दो से ज्यादा पार्टिकल में ही ये पॉसिबल है प्रोसेस ओके। सो हियर सपोज द टू बॉडीज suppose the two bodies of initial momentum suppose the initial momentum of two bodies, ऐसे लिख लेते हैं sentence बैठ नहीं रहा, तो suppose the initial momentum of two bodies like A and B are PA and PB respectively. Suppose the initial momentum of two bodies, directly हम momentum से start कर रहे हैं क्योंकि आगे के process तो हम आगे के सारे topics में सीख चुके हैं, like A and B are PA and PB respectively, okay? Two bodies हैं
हम ये बाद में देखते हैं। तो नाउ व्हाट हैपन, ये मोमेंटम आ गया आफ्टर कॉलिजन, क्योंकि यहाँ पे गन जो है तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो इम्पल्स कब मिलेगा हमें, तो इम्पल्स कॉलिजन के टाइम ही लगता है इम्पल्स। ओके, तो आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन द फाइनल मोमेंटम, तब हमें फाइनल मोमेंटम मिलेगा, द फाइनल मोमेंटम ऑफ दीज टू बॉडीज आर पी डैश ए एंड पी डैश बी रिस्पेक्टिवली। ओके, सो हियर आर द टू ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक मार्कर इज अ ऑब्जेक्ट ए एंड ब्लू मार्कर इज ऑब्जेक्ट बी और बॉडीज बी। ओके, नाउ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोथ दिस बॉडी इज पी ए, पी ए एंड पी बी। नाउ दे कोलाइड, आफ्टर कोलाइड द मोमेंटम ऑफ दिस टू बॉडीज लाइक पी डैश ए एंड पी डैश बी। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट हैपन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कितने लोग इफेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ से ऐसे दो बॉडी है उसको वो कॉलिजन करने जा रहे हैं, तो जीरो इनिशियल पोजीशन में दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज क्या है, जीरो। फिर मोशन में आया तो फोर्स लगा उसको, तो फोर्स कब मिलेगा हमें, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज देयर आर चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ओके, एंड वी गेट एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल एम ए, एफ इज इक्वल एम ए, एफ इज इक्वल वॉट हैपन, एम इंटू वी बाई टी, एम इंटू वी बाई टी एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी बाई टाइम। ओके, बट चेंज इन वेलोसिटी वी जीरो, वी माइनस वी जीरो चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो हियर इज एम इंटू डेल्टा वी, एफ इज इक्वल एम इंटू डेल्टा वी, इट गिव्स डेल्टा पी, इट गिव्स डेल्टा पी, देन वॉट हैपन डिवाइड बाई टाइम, तो जितना टाइम चेंज होगा उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, इंटू डेल्टा टी फॉर स्मॉल चेंज, डेल्टा वी जो है स्मॉल चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नाउ टेक डेल्टा टी एट लेफ्ट साइड, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा पी। नाउ रिमेंबर दिस इक्वेशन, रिमेंबर दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन, F into T is equal delta P. F into T is equal impulse. Impulse is equal change in momentum. Clear? So कैसा है equation, ये यहाँ पे हमने लिख लिया है, आप directly अगर आपको idea आ जाए समझ में आ जाए तो आप यही equation से start कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको ये कैसे आया ये समझ में नहीं आया होगा तो आप ये करके आप लिख सकते हो। ओके, F into delta T is equal delta P. Clear? So equation number one, ये main हमारा equation है। अभी दो body के लिए हम equation बनाएंगे, so पहले हम object A यानी body A, so for body A, चलो for body A, तो दोनों तो साथ में ही collide करती है, बट थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन बॉडी ए पे कौन फोर्स लगाएगा, तो बॉडी बी, राइट, बॉडी ए से हम उसका जो, लेकिन ये थर्ड लॉ पे चला जाएगा, लेकिन सेकेंड लॉ पर से ही हम इक्वेशन बनाएंगे, तो हमें यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये जो है बना इम्पल्स के रिलेटेड, तो इसपे से हमें दोनों बॉडी के लिए इक्वेशन बनाने हैं, तो वो कैसे बनेगा, तो एफ बॉडी ए F into delta T is equal, which is change in momentum. Okay,
इज इक्वल डेल्टा पी है यहाँ पे, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम, एफ यानी फोर्स, एफ यानी फोर्स। तो अभी देखो ऐसी पोजीशन थी हमारी, ये ऑब्जेक्ट ए है, बॉडी ए है, ए ऐसा गया और कोलाइड हुआ। पहले मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज पी ए, राइट। आफ्टर कोलाइड द मोमेंटम इज चेंज विच इज पी ए, पी डैश ए, राइट। अब ये मोमेंटम चेंज हुआ कैसे, तो किसने फोर्स लगाया, बॉडी ए ने, सॉरी बॉडी बी ने, क्लियर। तो हम यहां पे लिखेंगे ए बी, हाउ व्हाट मींस ऑफ दिस इक्वेशन, एफ ए बी मींस द फोर्स एक्ट ऑन ए बाय बी, बॉडी ए बॉडी बी, द फोर्स एक्ट ऑन ए बाय बी, ओके। अभी हम ऑब्जेक्ट ए के लिए लिख रहे हैं, इनटू डेल्टा टी द फोर्स एक्ट ऑन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, ओके, इज इक्वल डेल्टा पी। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया ना, ये चेंज इन मोमेंटम, और डेल्टा पी कितना है, तो एफ इंटू ए बी, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो फ्रॉम पी ए टू पी डैश ए। बट इक्वेशन क्या है, चेंज इन मोमेंटम, देयर आर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो पी डैश ए माइनस पी ए। वी राइट नाउ इक्वेशन ओनली फॉर बॉडी ए, रिमेंबर, ओके। नाउ इक्वेशन नंबर टू, क्लियर। नाउ फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी व्हाट्स द इक्वेशन, एफ सेम, अब तो बॉडी ए के लिए बन गया है, तो बॉडी बी के लिए आप इजीली लिख सकते हो, क्या होगा, बी ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल, क्या होगा, डेल्टा पी, तो यहां पे आप करिए बी ए डेल्टा टी, क्या मिलेगा आपको, पी डैश बी माइनस पी बी, हाउ हाउ। तो पहले हमने the force act on A by B, now the force act on B by A, okay, क्योंकि दोनों पे force लग रहा है collision के वक्त, तो यहाँ पे equation आपको मिल गया है यहाँ पे, which is equation number 3, clear, this equation we can get from the second law of motion, now second law of motion में क्या बताया, motion करते हैं collide करते हैं, और थर्ड लॉ के हिसाब से वो अपोजिट हो जाते हैं, दोनों अपोजिट फोर्स, चेंज मोमेंटम, मोमेंटम चेंज होता है, हो जाता है, ठीक है। तो हम अब थर्ड लॉ के हिसाब से चलेंगे यहां पे, सो नाउ फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हाट हैपन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल इक्वेशन is what, F is equal minus F, the third law of motion is F is equal minus F, equal and opposite, right, to every action has a reaction, equal and opposite, now F is equal minus F, so here we can write F, force act on A by B, which is F A B is equal the force act on B by A, which is minus F B A, okay। अब आप सोच रहे होंगे कि ये F A B is equal minus F B A तो आ गया, लेकिन हम यहां से वो डेल्टा T जो है वो कहां पे डालेंगे, तो आप यहां पे इंटू डेल्टा T करोगे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि यूनिक टाइम इंटरवल के लिए आप ले सकते हो, क्लियर। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। सो नाउ एफ ए बी इज इक्वल माइनस एफ बी ए, सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एफ ए बी इज इक्वल, ये डेल्टा टी वाला समझ में आया ना, डेल्टा टी यहां पे, चलो
इंटू डेल्टा टी और यहाँ पे भी इंटू डेल्टा टी, तो प्लस और माइनस ये दोनों चेंज हो रहा है, एफ जो है फोर्स वो दोनों चेंज है, इक्वल एंड अपोजिट, बट टाइम दोनों का सेम है, एक ही टाइम पे दोनों को इफेक्ट लगती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, क्लियर? सो डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ पे. सो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, फोर्स एक्ट ऑन ए बाय बी, फोर्स एक्ट ऑन बी बाय ए. सो पुट दिस वैल्यू, तो ए बी एफ ए बी इज इक्वल पी डैश ए माइनस पी ए इज इक्वल क्या होगा, माइनस एफ बी ए, यानी पी डैश बी माइनस पी बी, क्लियर? नाउ व्हाट्स आवर टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, इक्वल हमें करना है, तो यहां पे क्या होगा, जो फाइनल मोमेंटम है वो हम इज इक्वल इनिशियल मोमेंटम प्रूव करने जा रहे हैं, तभी हमारा कंजर्वेशन हो सकता है मोमेंटम का. तो देखो पी डैस ए और यहाँ पे पी डैस बी, तो लेफ्ट आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, पी डैस बी इज इक्वल. नाउ पी ए विच इज माइनस बट राइट साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये पी प्लस तो पी बी, क्लियर? सॉरी हाँ बराबर, तो पी डैस ए प्लस पी डैस बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी, क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर फोर, चलो इक्वेशन नंबर फोर हो गया. नाउ व्हाट शोज दिस इक्वेशन, वर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो वी कैन प्रूव दिस, यस, बिकॉज दिस इक्वेशन इज शोज दैट द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडीज आर इक्वल टू इट्स इनिशियल मोमेंटम. The final momentum of isolated particles or systems are equal to its initial momentums, right? So we can prove here's our conservation of momentum. Clear? So हम लिख लेते हैं. So these equations are shows that the final momentum of isolated system is equal to its initial momentum. करेक्ट? सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज दी लो, उसके बाद आपको ए एंड बी बॉडीज टेक करनी है, फिर उसको उसका इनिशियल मोमेंटम दिखाओ और आफ्टर कोलाइड उसका फाइनल मोमेंटम आपको दिखाना है. नाउ अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्यू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो एफ इज इक्वल एम ए वी गेट एक्सेलरेट्स और फोर्स, तो आपको मोशन कोलाइड करने के लिए तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, फोर्स लगेगा तो देयर आर चेंज इन वेलोसिटी एंड इट गिव्स एक्सेलरेशन, तो आपको सेकंड लॉ मिल जाएगा, उस पे सबको इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम वो इक्वेशन प्रूव होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वो इक्वेशन लिखना है. देन व्हाट हैपन, चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स विच इज रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच इज एफ इज इक्वल माइनस एफ, उस पे सबको इक्वेशन प्रूव करना है, एकदम सिंपल है, क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के लिए आईएमपी है, जिसमें ये लॉ है पूरे 1 मार्क्स का है, क्लियर? तो अच्छे से पढ़ो समझो लिख लो और प्रैक्टिस करो. ओके, थैंक यू.